गुड मॉर्निंग बच्चों, फंडामेंटल क्लासेस आप सबों का स्वागत करती है। आज फंडामेंटल क्लास 9 के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, हाउ डू वी फॉल इल, हम बीमार कैसे पड़ते हैं, लेकर आए हैं। यह टॉपिक उनके लाइफ टाइम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए देखते हैं इस टॉपिक का महत्वपूर्ण बातें जो हम पढ़ने वाले हैं, हेल्थ और डिजीज कैसा है हमारे लिए, उसको हम किस ढंग से परिभाषित करने वाले हैं, सेहत हमारी कैसे बिगड़ती है और बीमारी हो जाती है, उसका कारण क्या है, बीमारी अगर हो गई तो वह कैसा साइंस एंड सिम्टम दिखा रहा है, अब हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसका, और इससे बेहतर हम बीमारियों का बचाव ही कर ले तो यह कितना महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। लास्ट में एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो पॉन्डर एंड चूज हेल्दी लाइफ है, यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बिल्कुल ही महत्व नहीं रखता है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसे आप जीवन पर्यंत सेहतमंद रखने के लिए देख सकते हैं और समझना चाहे तो समझ भी सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं क्या सिग्निफिकेंस है हेल्थ और डिजीज का हमारे लाइफ में। तो आपने बहुत लोगों से ऐसा कहते हुए सुना होगा कि स्वर्ग और नर्क इसी धरती के ऊपर है। तो हम कहते हैं कि अगर आप सेहत मंद है तो जी हाँ, इसी धरती के ऊपर स्वर्ग लोक आपके लिए है। ऐसा नहीं होने से आप इसी धरती के ऊपर नर्क लोक में हैं। इसे समझने के लिए हम दो और प्रोवर्ब का सहारा लेते हैं जिसे आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं सुना देता हूं यहाँ। हेल्थ इज द रियल वेल्थ। हाँ जी बच्चों, सही माने में तुम्हारा सेहत ही तुम्हारा वेल्थ है, यानी कि धन है, यानी कि जमा पूंजी है, इसे बचा कर रखना। दूसरा है, वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट एंड हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। मतलब अगर आपके पॉकेट का पैसा या तिजोरी में रखा हुआ सोना और चांदी गुम हो गया तो समझो थोड़ा कुछ गुम हो गया, लेकिन अगर तुम्हारा सेहत बिगड़ गया तो समझो सब कुछ बिगड़ गया। तो हाँ बच्चों, इस पे बहुत ध्यान रखना। इसको हम एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। तुमने ऐसा भी सुना होगा कि इस धरती का जन्नत स्विट्जरलैंड या कश्मीर है। तो ये तो तब है जब आप सेहत के साथ हो, अगर सेहत आपके साथ नहीं है तो क्या उस स्थिति में भी ऐसा है, चलो देख लेते हैं। चलो बच्चों, बीमारियां तो बहुत ढंग का होता है, लेकिन चलो मान लेते हैं किसी को माइग्रेन पेन है। अब उसको हम लेकर जाते हैं स्विट्जरलैंड या फिर कश्मीर और कहते हैं भाई ये तो धरती का जन्नत है, तुम जन्नत को एंजॉय कर लो। क्या ऐसा होने वाला है? बिल्कुल ही नहीं होने वाला है, क्योंकि माइग्रेन पेन से सफर करने वाला व्यक्ति के सर में इतनी जोर से दर्द होता है कि उसको बंद कमरा, बंद लाइट और नीचे तक या ऊपर तक या रखकर ही थोड़ी सी शांति मिलेगी। वैसे में वादियों का सुख या जन्नत का नजारा उसे कुछ नहीं अच्छा लगेगा, उसके लिए वह भी जन्नत नरक ही बन जाएगा। अब आगे हम समझते हैं कि कैसे डिफाइन करें हेल्थ और डिजीज को, क्योंकि हेल्थ अगर है तो हम स्वर्ग में हैं, तो हम तो चाहेंगे कि हमेशा स्वर्ग में ही रहे। तो कैसे समझे पहले इसको, देखो WHO ने जो डेफिनेशन दिया है हेल्थ का, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तीन पॉइंट इन्होंने कहा। फिजिकल मतलब क्या, हमारा बॉडी पार्ट्स और इंटरनल ऑर्गेन सही से काम करता रहे तो हम सेहतमंद है। दूसरा कहा मेंटल, बाय डिफॉल्ट किसी का मेंटल जॉली नेचर, काइंड हार्टेड, हेल्पफुल, सो ग्रेटिट्यूड, इंथुसियास्टिक, फॉरगिवनेस
एंड स्माइलिंग वाला है तो वह सेहतमंद है। तो बच्चों मैंने एक बाय डिफॉल्ट कहा, इसका मतलब क्या, थोड़ा सा समझते हैं कि अगर किसी का नेचर ऐसा है तो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन क्या हम पढ़ लिए और जान लिए तो ऐसा नेचर हम कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिस दिन से हम इस धरती पे आते हैं एक सिंगल सेल के रूप में, उसी दिन से वह सिंगल सेल जो कि पूरी तरह से फंक्शनल होती है, हमारे आसपास होने वाले सभी गतिविधियों को सुनने जानने और समझने लगती है। तो ये सब गतिविधियों को उसने सुनता गया, समझता गया, सुनता गया, समझता गया, और एक समय आया जब उसने किसी एक चीज को विश्वास कर लिया, तो ऐसा किया तो यह उसके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर रजिस्टर हो गया। अब जब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, यानी कि जब ऐसा सिचुएशन कैसा आया, तो वह उस समय वह दिखलाता है जो उसे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर है, ना कि वह पढ़ाई किया है या जाना है। तो इसीलिए हम बाय डिफॉल्ट कहे हैं। अब सोशल, देखो सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी मेरी और सबकी जिम्मेवारी है। दूसरा एक और जिम्मेवारी है, जो हम कमाते हैं उसके ऊपर सरकार टैक्स लगाती है, जिसका जैसा कमाई है उसके अनुसार तो हम अपनी टैक्स सरकार को दिया करें। इससे सरकारी जो भी संस्थाएं हैं जो कि हमारे टैक्स के पैसे से चलती है, सुचारू रूप से काम करती रहेगी, और ऐसा होता रहेगा तो हमारा सेहत भी बना रहेगा। अब ये सब तो बातें हुई सेहत की, अगर कुछ भी सेहत से जो बातें हैं वैसा नहीं हुआ, तो हम दिस इज अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है दिस इज, दिस मीन्स डिस्टर्ब, इज मीन्स हमारा आराम, इट मीन्स फीलिंग अनइजी फिजिकली मेंटली एंड सोशली, जैसा कि हमने कहा है। तो फिजिकल का मतलब क्या, देखो हमारा कोई भी बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन अगर किसी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम से या इन्फेक्शन के कारण प्रॉब्लम आता है तो हम बीमार महसूस करते हैं, कैसे, फिजिकली। और मेंटली का मतलब क्या, अब बाय डिफॉल्ट हम यहाँ कहेंगे कि कोई हमें सत्ता लेते रहता है, किसी की गलतियों को माफ नहीं करता है, जिद्दी नेचर का है, खुश नहीं रहता है, हमेशा गुस्सा दिखाता है, फियर एंड फ्रस्ट्रेशन वाला है, जेलसी प्रवृत्ति का है, और हमेशा कंप्लेन एंड कंपैरिजन करता रहता है, तो ऐसा व्यक्ति आज नहीं तो कल बीमार पड़ने वाला है। फिर हमने बोला बाय डिफॉल्ट, जी हाँ, किसी का नेचर ऐसे ही उसके सबकॉन्शियस माइंड पे अंकित हो गया, रजिस्टर हो गया, तो उसका ऐसा ही नेचर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि यह नेचर बदला नहीं जा सकता है। हम जिस ढंग से सेहत वाला नेचर को सबकॉन्शियस माइंड पर रजिस्टर किए थे, उसी ढंग से अगर हम बीमार वाला नेचर रखते हैं तो इसको सोच सोच के कर करके, सोच सोच के कर करके सबकॉन्शियस माइंड पर रजिस्टर कर लेंगे। अब यहां तुम कंफ्यूज मत हो जाना, सबकॉन्शियस माइंड हम जब कह रहे हैं तो देखो हर आदमी का दो ढंग का माइंड होता है, एक जो हम तुमसे बात कर रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड हुआ, तुम हमको सुन रहे हो, हम तुमसे बात कर रहे हैं, वो टाइम बीइंग होता है, ठीक है, वो जानने के लिए होता है। लेकिन वो रजिस्टर हमारे माइंड के ऊपर पूरी तरह से कब होता है, जब हम उसको बार बार जान रहे हैं, कर रहे हैं, जान रहे हैं, कर रहे हैं, तो रजिस्टर हो गया सबकॉन्शियस माइंड पे, और जब सिचुएशन आएगा तो ऑटोमेटिक ही वो होता रहता है। तो ये तो हो गया मेंटल प्रॉब्लम कैसा, सोशल, जस्ट इसके उल्टा किसी ने अगर हमारा सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी बिगाड़ दिया तो हम सेहत को खो बैठेंगे। अगर हमारा कोई भी सोशल एजेंसी सही से काम नहीं करेगा तो हमारे सेहत का प्रॉब्लम आ जाएगा। और दूसरा, अब देखो इतना आसानी से तो हम लोग समझ लिए कि हेल्थ और डिजीज का डेफिनेशन क्या है, लेकिन बचवा ये इतना आसान है नहीं। अब हम जब एक वाक्य कहेंगे, सिंपली नॉट बीइंग दिस इज नॉट द सेम एज बीइंग हेल्दी, और वैस वर्सा। अब तुम कहोगे सर आप तो काफी कंफ्यूज कर दिए हमको,
क्या बोल दिए कि हमारे पास कोई डिजीज नहीं है फिर भी हम हेल्दी नहीं। हाँ ऐसा ही है, तो ये तो प्रॉब्लम है। अब काहे है थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा एक जो सबों का बाप है, एक लाइन में तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ, ये वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी। अरे भाई हैप्पी हम तब में रहूंगा जब खुशी रहूंगा। कहाँ बच्चों देख लेते हैं, खुशी तुम अपने आप को कैसे रख सकते हो ट्रूली हेल्थ पाने के लिए। हम यहाँ दो काम बताते हैं, ये तुम्हारे हेल्थ पॉइंट ऑफ सॉरी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इतना एक्सपेंशन लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन समझ लो तो, क्योंकि आजकल जो पढ़ाई 2022 के बाद आने वाली है प्रैक्टिकल पढ़ाई होगी, जो तुम यहाँ पढ़ोगे उसको प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे उतारना है उसकी भी पढ़ाई की जाएगी, तो तुम सुखी कैसे रहोगे। हम कहते हैं तुम दो काम करना है, एक हम करने के लिए कह रहे हैं, दूसरा सोच सोच के सबकॉन्शियस माइंड पे रजिस्टर करने के लिए कह रहे हैं। अब करना क्या है बच्चों, देखो आयुर्वेद ने भी कहा है समीक्षकारी, जितना हो सके उतना मेहनत करो। आप जिस भी फील्ड के आदमी हो, तुम तो बचुआ हो पढ़ाई करते हो, खूब पढ़ाई करना है मेहनत करना है। अब तुम बोलोगे मेहनत करने से हम हेल्दी कैसा हो जाऊंगा, अरे तुम मेहनत करोगे तुम्हारा सपना पूरा होगा, तुम खुशी होगे, तो खुशी होगे तो हेल्थ भी आ जाएगा। अब तुम बोलोगे अरे हम तो मेहनत करता हूँ पैसा कमाने के लिए, ठीक है ना, तो एक पर एक फ्री हो गया ना, पैसा भी हो गया सेहत भी हो गया है। और दूसरा एक सोच सोचो सोचो और इसके ऊपर रजिस्टर करो, वो ये कि हम मेहनत से और ईमानदारी से जो भी पैसा कमाया हूं उससे संतुष्ट रहूंगा। तो अब अगर तुम सोचते हो कि हम सुखी अपने माता पिता समाज से इनसे उनसे होंगे, तो भाई ये तो तुम्हारे सोच के साथ सारा सॉरी ना इंसाफ ही होने वाली है, क्योंकि कबीर दास जी ने लिख दिया है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, यही घटी घटी राम है दुनिया देखत नहीं। अरे बचवा खुशी का खजाना दुखी का खजाना इसके अंदर ही होता है, तुम क्या निकालते हो इस पे डिपेंड करता है। तो चलो अब तुम इसके अंदर से ये तीन चीज निकाल लो, 50% हेल्थ की गारंटी यहाँ, बाकी का 50% ये टॉपिक को पढ़ो, और अगर हो सके तो पॉन्डर एंड चूज हेल्दी लाइफ को देख लेना, कभी अभी नहीं कभी देख लेना। तो इतना कर लिए तो अगला 50%, वैसे 100% तो कुछ होता नहीं है, कि मैक्सिमम तो अपने हेल्थ को गारंटी कर सकते हो। तो वो तीन तीन चीजें जो आपको खुद से करनी है वो क्या है जो आपको हैप्पी रखेगा। अरे वाह, तो ये है पहला सुख हो निरोग काया, दूजा हो पॉकेट में माया, तीजा संतोषम परम सुखम। तो ये हम हेल्थ और डिजीज को समझ गए। अब देखो कुछ फोटोग्राफ तुम्हारे सामने हम लेकर आने वाले हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अब ये बता रहा है कि सोशल एजेंसीज हमारे हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर वह काम नहीं किया तो हमारा सराउंडिंग एंड इन्वायरमेंट अफेक्ट होगा, तो हेल्थ तो अफेक्ट होना ही है ना भैया। अब देखो एक म्यूनिसपैलिटी है, अगर तुमको सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं किया तो क्या, इतना कचरा छोड़ दिया तो क्या, ये जो है ओपन ड्रेनेज सिस्टम रख दिया तो क्या, सीवरेज डिस्पोजल सही से नहीं किया तो क्या, ये सब तो हेल्थ और बीमारी ही देने वाला है ना। दूसरा अगर कभी अर्थक्वेक आ गया सुनामी आ गया तो हमारा इमरजेंसी वाला जो एनडीआरएफ है समय पे तुरंत एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा, हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो लोकल पुलिस का काम है, शांति नहीं तो सेहत नहीं,
जस्टिस अगर नहीं मिलता है किसी को तो असामाजिक तत्वों का मनोबल तो ऐसे ही बढ़ने वाला है ना। तो ये सब फैक्टर है जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसका मतलब ये कि हेल्थ इज अ सोशल फैक्टर। लेकिन अगर हेल्थ है हमारा अगर बिगड़ गया और डिजीज हो गया तो तकलीफ परेशानी मानसिक पीड़ा हमको होने वाला है। हेल्थ दिस इज नॉट अ सोशल फैक्टर, इट इज ए इंडिविजुअल फैक्टर। रिमेम्बर दिस। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि हमारा हेल्थ आखिर फेल कैसे होता है। बड़ा सिंपल सा कारण है, हमारा बॉडी है जो बीमार पड़ने वाला है। इसके बाहर एक इन्वायरमेंट है, इसके अंदर एक इन्वायरमेंट है। तो दो कारण हो गया, एक्सटर्नल कारण एंड इंटरनल कारण। अब एक्सटर्नल कारण क्या हो सकता है? देखो, एक तो एक्सीडेंट, इसको छोड़ पढ़ना नहीं। दूसरा, तुम एट क्लास में पढ़े हो कि अगर तुमने बैलेंस डाइट नहीं लिया तो माल न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज वो सब आने वाला है। तीसरा जो यहाँ मेन पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इंफेक्शियस डिजीज, जो कि माइक्रोब्स का एक ग्रुप जिसको पैथोजेंस कहते हैं वो हमारे अंदर डालते हैं। एक कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हो गया? इंटरनल इन्वायरमेंट हमारा कैसे बिगड़ता है, मेंटल क्या सोच रखते हैं हमने ऊपर देख लिया है। एक महत्वपूर्ण कारण जो हमारा है वो हर इंडिविजुअल को करना है। वो क्या करना है, जिसको हम 5F बोलते हैं, एनसीईआरटी ने कहा है, वो है फ्रूट्स, फिंगर्स, फ्लाइज, सील्स एंड फ्लड्स। सब आदमी को ये पांच चीजों को सही से हैंडल करना चाहिए। फ्लूइड्स का मतलब क्या, हम वाटर जो पीते हैं या जूस पीते हैं उसको देखना चाहिए कि इंफेक्शन से बचा हो। हमारा फिंगर, हर काम तो हम हाथ से ही करते हैं, तो या इसमें तो बैक्टीरिया हमेशा रहेगा। तो खाना खाने से पहले, उसके बाद में, या कोई काम करने के पहले या बाद में इसको डिसइंफेक्टेड करना आवश्यक है। दूसरा क्या है, फ्लाइज, अब कचरा रहेगा तो फ्लाई जो हाउस फ्लाई है, मक्खी, और दूसरा मॉस्क्यूटो, उसका ब्रीडिंग बढ़ने वाला है। फील्ड्स, सबसे बड़ा कान बचवा देखो, फील्ड्स के अंदर ना तुम पोटी नहीं करना, वो बड़ा प्रॉब्लम करता है जी। और फ्लड्स, जब रेनी सीजन है तो बाढ़ आ जाते हैं और पानी लग जाते हैं, तो मच्छरों का पनपने का कारण वही है। तो ये सब चीजें के कारण हमारा हेल्थ फेलियर होता है, इस पे ध्यान देने की बात है। अब ये तो समझे हेल्थ और डिजीज, हमारा हेल्थ सोशल फैक्टर है और यह उस पे डिपेंड करता है। डिजीज हमारा खुद के ऊपर का इंडिविजुअल फैक्टर है। लेकिन इस सबसे हटके जो मेन हम तो साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि बायोलॉजी क्या कहता है, हेल्थ कैसे बिगड़ता है, इसको तो देख ले। देखो, हम सभी जानते हैं, एकदम अच्छी तरह से जानते हैं, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी हम अपनी बात करें ह्यूमन बीइंग, अपना शुरुआती कलाई सिंगल सेल जिसको जाइगोट कहते हैं उससे करता है, और यह एक बेसिक सेल है। तो सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड इज अ डायनामिक प्लेस वेयर समथिंग और अदर इज ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड देम। हम समझते हैं कि ये फंडामेंटल क्या होता है। देखो, जिस दिन से हम अपना पहला लाइफ जो कि अपने माता जी के गर्भ से स्टार्ट किया था, और ऐसा संभव हुआ था हमारे माता जी का एक और पिता जी का स्पर्म के फर्टिलाइज होने से, जो सिंगल सेल का नाम हम जाइगोट पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, होता है, और यह फुली फंक्शनल होता है। तो अब देखो, अब इतना बड़ा शरीर तो एक ही जाइगोट से बना, एक जाइगोट ने 100 to 150 trillion सेलों का एक कॉलोनी बना दिया जो हम है आज। वो कैसे हुआ बच्चा? देखो, सेल ना मल्टीप्लाई करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, और उसका एक अजब और गजब का प्रॉपर्टी है जिसको तुम 9th में अपने ही क्लास में सेल स्ट्रक्चर में पढ़ोगे। वो प्रॉपर्टी है डिवीजन ऑफ लेबर। बहुत सारा सेल एक साथ मिल जाते हैं और एक टिश्यू बनाते हैं जो कि एक स्पेशल
फंक्शन को अंजाम देता है, कब? जब बहुत सारे टिश्यू फिर से एक साथ मिलते हैं और ऑर्गेन बन जाते हैं। तो ऑर्गेन हमारे बॉडी तुम जानते हो बहुत सारा है जो स्पेशल फंक्शन करते रहते हैं शरीर के अंदर। अब सब ऑर्गेन मिलके हम और तुम जैसा ऑर्गेनिज्म बना दिए। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है ना, सुपर डुपर से भी ऊपर का, तुम इसे कंप्यूटर कह लो या मशीन कह लो, ये है। तो उसको तो एक बड़ा ही स्पेशल ढंग का फ्यूल चाहिए ना, और वो फ्यूल कैसे मिलता है? नेचर से मिलता है और बैलेंस डाइट के रूप में मिलता है। अब इसको देखो, बैलेंस डाइट को हम इंटेक करते हैं तो इस प्रोसेस को इंजेशन बोल दिए। इंजेशन के समय जो बैलेंस डाइट होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड कह सकते हैं उसको, और वो कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेशन होकर सिंपल फूड में बनना है। तो डाइजेशन कौन करेगा? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और यह एब्जॉर्ब होकर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पूरे बॉडी के सेल को मिल जाता है, और बचे हुए जो बेकार के पदार्थ हैं वो इजेशन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। और बेकार के पदार्थ तो हो गए ना, क्योंकि निकल गए, तो यहाँ देखो ये फाइबर और वाटर और सोल्ट बोल रहा है, देखो जब हम साथ में आ रहे थे तो बड़ा महत्वपूर्ण थे इनके डाइजेशन को करने के लिए, अब तो हमको मल मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया। कैसी दुनिया है, काम निकल गए तो हम आपको जानते नहीं। हाँ तो बच्चों ऐसी ही है ना दुनिया। अब रही बाकी, जब सेल को सिंपल सब्सटेंस मिल गया तो करेगा क्या? एसिमिलेशन कर दिया। अब एसिमिलेशन करने के बाद क्या कर दिया? मेटाबॉलिज्म। देखो ये सब तो ठीक है, मेटाबॉलिज्म को समझो, ये डिमांड एंड सप्लाई का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कैसे? मेटाबॉलिज्म इज अ सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड एक्शन, जो होता है हमारे माइंड के डिमांड के अनुसार। अब इसको हम कैसे समझें? चलो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से तुमको हम समझाते हैं। चलो तुमने फिक्स कर लिया अपने गर्ल्स फ्रेंड का मीटिंग 5 बजे आज शाम को पार्क में। अब चूंकि तुमको बहुत ना जल्दीबाजी होता है तो 15-20 मिनट पहले ही तुम पहुंच गए होगे। अब पहुंच गए तो तुमको तो मालूम है कि 5 बजे आने वाली है, तब तक तुम रिलैक्स हो, 5 बजे तक इंतजार कर रहे हो। और 5:10 हो गया, 15 मिनट हो गया, तुम्हारी बेचैनी बढ़ती जा रही है, परेशानी बढ़ती जा रही है, कह नहीं आ रहा तुम्हारा माइंड, कुछ ना कुछ सोच रहा है। तो ये रिलैक्स महसूस करना, माइंड को परेशान होना और कुछ ना कुछ सोचना, और फिर जब गर्ल्स फ्रेंड आ गई तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान का आना, बॉडी के अंदर सेंसेशन का होना, ये सब बच्चों ऐसा नहीं ना होता है। जो तुम डिमांड करते हो सोच के थ्रू, वो बाय डिफॉल्ट हमारा सबसे मेटाबॉलिज्म के द्वारा तुमको हार्मोन, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ढंग का होता है, प्रोड्यूस करती है, सीक्रेट करती है, जो हमारा हाव भाव और चेहरा वैसा बनाता है। तो यहाँ जो तुम्हारी गर्ल्स फ्रेंड आ गई ना, तो जो हार्मोन है सीक्रेट करती है, उसका नाम वैज्ञानिक ने रखा है हैप्पी हार्मोन्स। इसीलिए ना तुमको खुशी होती है, सेंसेशन होता है। अब देखो, अब क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि हमारा जायगोट सिंगल सेल था, और ये सब एक्शन रिएक्शन सब जो देखे हमारा, इसको बोलते हैं बॉडी का फंक्शन, इसको लाइफ प्रोसेस भी कह सकते हैं, जो पूरे ऑर्गन का फंक्शन को अपने साथ में इंक्लूड करता है। यहाँ कहने का मतलब क्या, एक जायगोट इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म को बनाया तो इसका मतलब ये फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और इंटरलिंक्ड है। तो कोई भी ऑर्गेन का फंक्शन अगर डिसरप्ट होता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये हुआ तुम्हारा।